झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंच। जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह के आदेशानुसार गिरिडीह प्रखंड में एक 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि ये योग प्रशिक्षण राष्ट्रीय आयुष मिशन के अधीन आयोजित किया जा रहा है। इसमें गिरिडीह प्रखंड के वर्ग 6 से 12 के सभी विद्यालयों से 2 शिक्षकों को योग प्रशिक्षण दिया जाना है। ये 2 शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे। यहां से योग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ये अपने विद्यालय के बच्चों को भी योग का प्रशिक्षण दे पाएंगे। आज प्रशिक्षण के दूसरे दिन 260 शिक्षकों ने योग प्रशिक्षण में भाग लिया। योग प्रशिक्षक के रूप में प्रमेंद्र कुमार, विजय भाटी, समता कुमारी, सोनी कुमारी और अंबर प्रसाद महतो उपस्थित थे। योग प्रशिक्षक विजय भाटी ने कहा कि योग के द्वारा शरीर के साथ साथ व्यक्ति का मस्तिष्क भी स्वस्थ और स्वच्छ होता है। योग प्रशिक्षण में सर्वप्रथम प्रार्थना करवाई गई, फिर विभिन्न प्रकार के आसन करवाए गए। आसनों में मुख्य रूप से शिथिलीकरण अभ्यास के लिए ग्रीवा चालन, स्कंध संचालन, कटी चालन, घुटना संचालन, ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, त्रिनौकासन, बैठकर किए जाने वाले आसनों में दंडासन, भद्रासन, व्रजासन, अर्ध उष्ट्रासन, उत्तान, मंडूकासन, लेटकर किए जाने वाले आसनों में मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम और ध्यान करवाया गया। अंत में संकल्प मंत्र के साथ विश्व के कल्याण के लिए मंत्रोच्चारण के बाद आज के योग प्रशिक्षण का समापन किया गया। योग प्रशिक्षण में रमेश कुमार बख्शी, विनोद कुमार चौधरी, संजीव कुमार, सुधीर कुमार सिंह, परमानंद महतो, विश्वजीत देव, रितेश कुमार, जयमाला देवी, सपना भारती, सुनीता गुप्ता, गायत्री कुमारी, नमिता कुमारी, हेमंत कुमार, अली अकबर, हसन जावेद, शिव कुमार यादव, सुभाष त्रिवेदी, राजेश कुमार मिश्रा, नरेश राम आदि मौजूद थे। सभी को आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि ब्लॉक वाइज आज गिरिडीह ब्लॉक में हम सभी एक साथ, जितने भी 266 शिक्षक गण के साथ हम सभी प्रशिक्षक गण उपस्थित रहे। निरंतर 5 दिनों का ये शिविर चल रहा है, आज समापन है उसका, और 5 दिनों तक लगातार सभी शिक्षकगण, सभी अभ्यर्थी जितने भी थे यहाँ उपस्थित, सभी ने बहुत अच्छे से योगाभ्यास को सीखा और वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वो हर अपने विद्यालयों में जाकर उन बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि आगे आने वाले भविष्य में योग का प्रचार प्रसार हो। न केवल शिक्षकगण इस योग को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि भावी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थता के रूप में इसे अपना सकते हैं और निरंतर योग को करते हुए उच्च बुलंदियों को अपना के देश और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं महिला पतंजलि प्रभारी सोनी शाह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ आज के समापन सत्र को यहीं विराम देती हूँ। शिक्षण शिविर का आज समापन दिवस रहा और इस समापन दिवस में हमारे प्रशिक्षक साथियों के द्वारा हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन लोगों ने किया और सबसे बड़े निर्वहन उन सारे शिक्षकों का जो लोग ससमय आ करके प्रशिक्षण सत्र में भाग लिए और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे जो भी बातें उन लोगों को बताई गई है, जो कि प्रोटोकॉल, लेकिन जिनका आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाना है उस प्रोटोकॉल का अक्षर से अनुपालन कराया गया है और उन लोगों के द्वारा जो 5 बच्चों की सूची दी गई है उन बच्चों को भी पूर्ण रूप से दक्ष कराया जाएगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष मंच पे उन सभी लोगों का प्रदर्शन एक रूपता बने, एक जैसा दिखे, इसके लिए लोगों से सूची ली गई है और उनको कुछ विशेष वस्त्र भी मिलेंगे, कुछ विशेष आवरण भी आपूर्ति कराई जाएगी आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो ये मेरे उन शिक्षकों की ओर, मेरी ओर से, हम सभी प्रशिक्षकों की ओर से हार्दिक शुभकामना है कि अपने कार्य में अग्रसर रहें और सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत।